तीन दिन से लगातार जो बारिश है भयंकर वाली, उसकी तबाही देखो दोस्तों।
जी दोस्तों, फाइनली यार वी आर इन आवर लोकेशन। ओए होए होए, बढ़िया जी, मौसम खुल रहा है धीरे धीरे। आज दिन भर बारिश थी, तो अभी दो दिन से इतनी भयंकर बारिश थी कि कैंप वैम्प नहीं कर पाया, क्योंकि आपको पता ही है कितने नुकसान हो रहा है, सब जगह पानी भरा पड़ा है। तो ऐसे में ना रिस्क रहता है पेड़ वेड़ों का गिरने का, सभी चीज़ों का, एक अलग ही सुकून मिल जाता है। मज़ा आ गया। दोस्तों, जो सुकून इन वादियों में आज मिल रहा है ना भाई साहब, कि जो बारिश के बाद का जो मौसम होता है, ओए होए गजब यार। मन कर रहा है ना बस जाऊं यार यही, सच में।
भाई चलो डिनर की तैयारी करते हैं। सबसे पहले भाई मैरिनेट कर लेंगे हम अपनी फिश को। हल्का सा जीरा पाउडर, लाल मिर्च और फाइनली लास्ट में हल्दी। बस फिलहाल के लिए इतने ही मसाले पड़ेंगे इस पर। और अब जो डालना है हमको डालना है भाई जिंजर गार्लिक का पेस्ट। क्या लग रहा है यार सामने का व्यू, सच में बहुत ही जबरदस्त यार। काश मैं आपको दिखा पाता। आज की जो कैंपिंग है बहुत ज़्यादा यादगार रहेगी यार, क्योंकि जो व्यू है ना बहुत मज़ा आ गया। चलो जी दोस्तों, आज मेरे को लग रहा है ना काफ़ी टाइम के बाद मैं एक परफेक्ट टाइम में कुकिंग कर रहा हूँ। सब कुछ आराम से 9 बजे तक निपटाने का प्लान है भाई। तो अभी से ही प्रिपरेशन करेंगे अपने। वाह भाई खाने की।
इसमें थोड़ा सा पड़ेगा भाई चाट मसाला। सच कहूँ तो दोस्तों, मेरे को इस तरीके से रोस्ट करने के बाद जो खाने का मज़ा है ना भाई, बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल के लिए भाई मुँह में पानी आ रहा है यार, खा लेते हैं बाद में करते हैं। भाई साहब क्या ही कहने यार इसके। बहुत ही लजीज, देखो कितने अच्छे से पकाया। अभी मेरे पास पेरी पेरी सीजनिंग भी है, इसके साथ भी ट्राई करूँगा। तो फिलहाल उस तरफ ट्राई हो रहे हैं। आज बनने वाले हैं दो डिशेज, एक जो कि मैं शाम के टाइम पे एंजॉय कर रहा हूँ बढ़िया से मस्त गर्मा गर्म, और एक बनेगा भाई मच्छी भात। बहुत ही शानदार यार, पेरी पेरी सीजनिंग डाल के तो इसमें चार चांद लग गए यार। वाह, ऐसा अब मच्छी भात बनाएंगे आज, काफी टाइम से खाने का मन था। और ऐसे ठंडे माहौल पे यार, स्पेशली रेनी वेदर पे, तो भाई इस टाइप की चीज़ें आपको पता ही है कितना मज़ा जो आता है। और हाँ, एक चीज़ को देख करके, जिस चीज़ को देख करके मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, वो ये है कि दुनिया भर का पानी नीचे नदी नालों पे आ रहा है। तो घाटी साइड पे ना जितने भी जानवर होंगे वो अभी पहाड़ की तरफ होंगे, यानी कि ऊपर साइड को आए रहेंगे अपनी सेफ्टी के लिए। तो बस यहाँ ना आ यार, और तो कुछ नहीं। मच्छी भात के लिए जो ग्रेवी बन रही है भाई, वो हल्की फुल्की बन रही है, क्योंकि मैं ज़्यादा खाऊंगा नहीं। ऑलरेडी मेरा एयर फ्राइड से पेट भर चुका है। और एक चीज़ और यार, कि मुझे टमाटर मिले नहीं दुकान में, है ना, जिस वजह से यार इस पे टमाटर आज नहीं पड़ेगा। मसाले ना मैं बहुत कम खाता हूँ, पता है। ये हो गया अपना गरम मसाला, लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा मसाला, ये भाई मच्छी मसाला, और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च। सारे मसाले डाल देंगे। चलो भाई, अब इस पे पड़ जाएगा भाई पानी, पीछे से इन सबको डाल देंगे इसमें। तो भाई टाइम भी काफ़ी हो चुका है और अपना खाना भी लगभग लगभग बन चुका है भाई। चलो जी, अब है वक्त परोसने का, बढ़िया से। फाइनली यार अपना खाना भाई लग चुका है,
ओ भाई सलाद गिर गया रे। लेट्स टेस्ट इट गाइस, मच्छी भात काफी दिनों के बाद। वाह ठाक बना भाई, मतलब जो पहले मैंने फ्राइड वाला बनाया था ना, ओए होए वो तो गजब था यार। अभी तो मेरा पेट भर चुका है। फिर आपने सुना होगा ना हमारे पहाड़ में कहावत है ना, अगहन बामन भैसान कीर, मतलब कि अगर पेट भर गया तो उसके बाद खीर जैसी चीज भी स्वादिष्ट नहीं लगती। जो आसपास का माहौल देखो यार, रात के टाइम पे भाई साहब, और नीचे साइड कल 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 नदी की आवाज आप सुन ही रहे हैं। सोने का वक्त हो चुका है और खाना वाना तो भाई मैं ज्यादा खा नहीं पाया यार, वैसा का वैसा ही है ये, है ना। तो पेट भर चुका था मेरा तो, लेकिन मजा आया जो भी था, थोड़ा बहुत खाया मैंने, और बाकी का सुबह के टाइम पे खा लूंगा क्या है ना। तो फिलहाल के लिए सोते हैं यार। गुड नाइट दोस्तों। मच्छर